मनोकामना तो कुछ रखे होंगे बाबा से? हाँ, बहुत पूरा होता है। पता है क्या कुछ मनोकामना रखे हैं बता सकते हैं? जो अपने भक्तों को पूरा मनोकामना को पूरा कर देते एकदम एकदम एकदम। समस्तीपुर जी यहाँ पर आए कितना बार आ चुके हैं? फर्स्ट बार आए। फर्स्ट बार आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा, आप देख रहे हैं हमारी सोच न्यूज नेटवर्क। दोस्तों अभी हम मौजूद है बाबा के मिथिला धाम कुशेश्वर स्थान में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज सावन मास की तृतीय सोमवारी है, तो तृतीय सोमवारी आप सभी को बता दो आज मले मास पड़ गया है तृतीय सोमवारी को लेकर, और आपको हम श्रद्धालुओं की जो जनसंख्या है वो दिखाने के लिए है। तृतीय सोमवारी के लेकर काफी श्रद्धालुओं के मन में विचार होता है कि मले मास से पूजा नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फ्रेम में कि कितने श्रद्धालु दिख पा रहे हैं। जैसा कि पहले इस पहले सोमवारी को आते होंगे तो इस होकर इधर दिखाइए, इस होकर आप लोग जो श्रद्धालु सब थे इस होकर आते थे, लेकिन आज जो है लमसम अभी बज रहा है 8, तो आज 8 ही बज रहे हैं, तो अभी जो है मेन गेट जो होते थे उसी होकर जितने भी श्रद्धालु है इसी होकर आते हैं और फिर पूजा करके इसी होकर चले जाते हैं। जैसा कि और यहाँ के जो पंडा है उन सब से हम बातचीत करेंगे, क्या मले मास से पूजा करने से क्या होता है, क्या कुछ नहीं होता है, ये सब जानकारी लेंगे। वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तृतीय सोमवारी के बारे में श्रद्धालु सबको पता चले। देखिए यहाँ पे जो श्रद्धालु सब जो है उस फोटो से सेल्फी सब ले रहे हैं, इन सब से हम पूछते हैं कहाँ से आए हैं? बस आए हैं समस्तीपुर। समस्तीपुर जिला से आए हैं? अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर। अच्छा, डायरेक्ट देवघर से आ रहे हैं कि समस्तीपुर से? समस्तीपुर से। कैसा लग रहा है यहाँ पे पूजा? बहुत अच्छा। समस्तीपुर जी यहाँ पर आए कितना बार आ चुके हैं? फर्स्ट बार आए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, न्यूज में देखते होंगे पहले सोमवार काफी ज्यादा भीड़ लगता था, आज सोमवार इतना भीड़ नहीं लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ लग रहा है। अच्छा, मतलब आज कुछ पता है कि आज क्यों भीड़ लग रहा है? आज भीड़ मलमास है। मलमास? जैसा कि आपको कम भीड़ है? जैसा कि आपको बता दूं कि मलमास के जितने भी श्रद्धालु सबसे हम पूछते हैं तो काहे इतना भीड़ नहीं दिखने को मिल रहा है, तो मलमास को लेकर जो है आज भीड़ दिखने को नहीं मिल रहा, क्या सही बात है? हाँ सही बात। क्या कहना चाहते हैं इस मिथिला नगरी के बारे में, क्या कहना चाहते हैं? ये बाबा बहुत अच्छे हैं, यहाँ मनोकामना सबका मनोकामना पूरा होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों से बातचीत करके, और भी श्रद्धालु हैं उन सबसे हम बातचीत करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगले सोमवार में आपको दिखाए थे कि एक नया नंदी महाराज को स्थापना किया गया था, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक नया नंदी महाराज को स्थापना किया गया है और श्रद्धालु सब जो है यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, और जो श्रद्धालु सब आए हुए हैं सबसे पूछते हैं कहाँ से आए आप लोग? कुशेश्वर स्थान से। अच्छा ये बताइए पहले सोमवार आप लोग आते होंगे? हाँ। अच्छा, उस सोमवार में ज्यादा भीड़ देखने को मिला, इस सोमवार में क्यों ज्यादा भीड़? मलमास लेकर भीड़ नहीं है। हाँ। इसके लिए धाम पे भीड़ नहीं है। हाँ। अगले सोमवार के इससे भी ज्यादा भीड़ होंगे। हाँ। अच्छा, मनोकामना तो कुछ रखे होंगे बाबा से? हाँ, बहुत पूरा होता है। पता क्या कुछ मनोकामना रखे हैं बता सकते हैं? वो नहीं, ये तो हम क्यों बता सकते हैं, बाबा के जो मांगे बाबा पूर्ति जरूर करते हैं, उनके घर में देर अंधेर नहीं है। बिल्कुल। चलिए जैसा कि आप लोग और भी श्रद्धालु सब है उन सबसे हम बातचीत करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी जो है गेट पर से आपको दिखा पा रहे हैं श्रद्धालु सब को जो भीड़ है इतने दिखने को मिल रहा है, इस पर आप लोगों का क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मले मास को लेकर क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। रोड पर से आपको नजारा हम दिखा देते हैं कितना श्रद्धालुओं को जो है नजारा देखने को मिल रहा है। कहाँ से आए हैं? बड़गांव से। बड़गांव से आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाबा कुशेश्वर की ऐसी असीम कृपा है जो अपने भक्तों को पूरा मनोकामना को पूरा कर देते हैं एकदम एकदम। अच्छा चलिए आपको एक बार शिवगंगा की ओर लेके चलते हैं और यहाँ के दृश्य को हम दिखलाते हैं, यहाँ के दृश्य कैसा दिखने को लगता है शिवगंगा को लेकर। जैसा कि अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे काली जी को मंदिर जो है श्रद्धालु सब पूजा कर रहे हैं, और इधर आइए शिवगंगा को आपको देख लीजिए एक नज़ारा आप लोग कि यहाँ पे जो है दूर दूर से भक्त जो आते हैं यहाँ पे जो है स्नान करके उसके बाद बाबा को पूजा करेंगे। एक बार दिखा दीजिए, पूरा घुमा कर दिखा दीजिए जितने भी श्रद्धालु सब जब ये स्नान कर रहे हैं उसके बाद स्नान करके बाबा को प्रांगण में जाकर पूजा करने के लिए जल अभिषेक करने के लिए।